नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 1 नवंबर को लखनऊ में होगी, जहां बैठक में अखिलेश यादव समेत सपा के प्रमुख पदाधिकारी जातीय जनगणना और पीडीए राजनीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बैठक में 300 से ज्यादा पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। वही भाजपा के वैचारिक प्रचार से निपटने के तौर तरीके भी बताए जाएंगे। तो पीडीए की रणनीति के बारे में अब अखिलेश यादव के साथ ही पूरी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एक साथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। नव गठित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 1 नवंबर की वो तारीख होगी जब तय की गई है और 1 नवंबर को सपा कार्यालय पर तमाम समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान जातीय जनगणना को किस तरीके से हथियार बनाया जाए 2024 में, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पीडीए की रणनीति पर भी चर्चा होगी और 2024 में किस तरीके से एकमुश्त होकर चुनाव लड़ा जाए उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और वो लगातार 5 मैच तक जीत चुकी है, जिसके बाद अब भारतीय टीम का सामना आज इंग्लैंड से होने जा रहा है। भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जहां ब्लॉकबस्टर मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वही क्रिकेट मैच के चलते पुलिस ने स्टेडियम की सुरक्षा भी बढ़ा दी है, साथ ही पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी करेगी और स्टेडियम के आसपास सादे कपड़ों में पुलिस भी तैनात रहेगी। वही भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काना स्टेडियम पहुंच सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिनी, सचिव जय शाह और बीसीसीआई के प्रमुख पदाधिकारी राजीव शुक्ला, सचिन तेंदुलकर, गूगल के सीईओ भी मौजूद रहेंगे। कलीम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए आज इकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा, इसके मद्देनजर क्या कुछ आज तैयारियां की गई है, एडवाइजरी की बड़ी बातें क्या है? कलीम, देखिए मुस्कान जी, अगर जिस तरीके से बात की जाए आज इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है, उस मैच को लेकर के आज इकाना स्टेडियम में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो राज्यपाल है वो भी शामिल हो सकती है, तो इस चीज को देखते हुए एक सुरक्षा का घेरा है वो बड़ा मजबूत किया गया है, क्योंकि इकाना स्टेडियम में जिस तरह से मैच हो रहा है, जो सुरक्षा का घेरा लगाया जा रहा है उसमें लगभग 3800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। जिसमें बात की जाए जो रूट डायवर्जन के साथ साथ जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पे जो नजर रखी जा रही है, उन सभी को लेकर के हिदायत भी दी गई है। और साफ तौर से अधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आज मैच का लुत्फ उठाने के लिए लोग इकाना स्टेडियम पहुंच रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो रोड मैप है उसको भी देख लें, क्योंकि आज जिस तरह से इकाना स्टेडियम में मैच है उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पेट की परीक्षा भी है, तो दोनों चीजों को लेकर के जो सुरक्षा का इंतजाम है वो काफी गहरा है। और इसको लेकर के जो बात की जाए शहीद पथ की, तो शहीद पथ पर किसी तरह की गाड़ियां रुकने की हिदायत ना दी गई है, क्योंकि अगर किसी तरह की अगर वहां पे गाड़ियां रुकती हैं तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर बात की जाए इकाना स्टेडियम के आसपास से जो रोड गुजरती है यानी शहीद पथ, तो उस पर सवारी जो वाहन है उनको आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि उनका रूट प्लान पूरी तरीके से बदल दिया गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा के घेरे की बात की जाए, तो सुरक्षा के घेरे में जो पुलिस लगाई गई है वो एक काफी मजबूत है। और इससे पहले अगर हम बात की जाए करें तो इकाना स्टेडियम के अंदर की जो सुरक्षा का घेरा है उसमें एटीएस को उतारा गया था। फिलहाल जो एटीएस के कमांडो थे वो अंदर की पूरी निगरानी कर रहे थे और बाहर की जो पूरी निगरानी है वो सिविल पुलिस कर रही है। फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस भी भारी संख्या में लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से पिछले मैच की अगर बात करें तो पिछले मैच में जिस तरह से लापरवाहियां जो सामने आई थी, उन लापरवाहियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, कार्रवाई को लेकर के हिदायत दी गई थी। ठीक है कलीम, देखिए 600 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है ताकि स्टेडियम के अंदर की पूरी निगरानी की जा सके। चप्पे चप्पे पर आज पुलिस की नजर आएगी, स्टेडियम के अंदर के लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? देखिए साफ तौर से इसमें वही बात दोहराई जाएगी कि जिस तरह से जो अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एटीएस कमांडो को पिछली बार उतारा गया था, लेकिन इस बार एटीएस के जो कमांडो है वो उतारे गए हैं या नहीं उतारे गए हैं इस मामले में अभी कुछ खास जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अंदर का घेरा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो मैच की बात की जाए, वर्ल्ड कप मैच की बात की जाए, क्योंकि उस दौरान जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्टेडियम में होंगे, तो जाहिर सी बात है वहां अंदर का जो सुरक्षा का घेरा है वो एटीएस कमांडो के हाथ में होगा, क्योंकि बाहर की अगर फोर्स की बात की जाए तो वहां बाहर जो है जो सिविलियन पुलिस है वो लगाई गई है। इसके साथ ही जो एलआईयू की रिपोर्ट, एलआईयू पुलिस है वो भी लगातार निगाह रखे हुए कि किसी तरह की अराजकता वहां पे ना फैल पाए, क्योंकि अगर मैच को लेकर के बात की जाए जिस तरह से इस बार
जो ब्लैक ब्लैक टिकट हुए हैं फर्जी वेबसाइट के जरिए जो लोगों ने टिकट खरीदे थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं वहां पे एक भीड़ उमड़ सकती है। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के किसी तरह की कोई चूक नहीं देखी जा रही। पिछली बार जो चूक हुई थी उस लापरवाही को लेकर के भी हिदायत दी गई कि अगर इस बार किसी तरह ने जो लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए करीम लगातार ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है, आप भी जिक्र लगातार कर रहे हैं कि फर्जी टिकट को लेकर भी लगातार नकेल कसी जा रही है। और अमूमन देखा गया है कि मैच से पहले स्टेडियम के बाहर भी जो फर्जी और ब्लैक भी टिकट है वो बेची जाती है, उस पर नकेल कसने के लिए कितनी तैयार है पुलिस? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से जो फर्जी टिकट बेचे गए थे ऑनलाइन के जरिए, तो ऑनलाइन के जरिए जो टिकट मिले थे तो उसकी जब जांच की गई थी तो जांच में जब फर्जी पाया गया था तो उस मामले को लेकर के मुकदमा तो दर्ज किया गया। लेकिन इस मामले की जो तफ्तीश की बात की जाए, तफ्तीश में जो साइबर क्राइम सेल की मदद ली जा रही थी। लेकिन अब इसमें सवाल यह है कि जिस तरह से जो इकाना स्टेडियम में लोग पहुंच रहे हैं मैच देखने के लिए, जिनके पास टिकट है, और चाहे वो फर्जी टिकट हो या फिर जो लीगल टिकट है, क्योंकि इन दोनों टिकट के लोग वहां पे पहुंचेंगे तो आखिर उस भी तो चिन्हित करना होगा। वो चिन्हित करने के लिए जो वहां पे जो टीम गेट पर लगी होती है पुलिस के साथ साथ जो बीसीसीआई की जो वहां पे टीम लगी होगी, एंट्री के लिए जो टीम लगी होगी, वो भी इस चीज को जो है पूरी तरीके से जांचेगी और जांचने के बाद लोगों को अंदर एंट्री देगी। क्योंकि जाहिर सी बात है वहां का जो सुरक्षा की बात की जाए, एक ये बड़ी सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है, और इसमें बात की जाए ड्रोन की तो ड्रोन के जरिए भी पूरी तरीके से निगाह बनाई जा रही है कि किसी तरह की कोई भी चूक ना हो सके। और अगर चूक होती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लेकिन देखिए कलीम इस बार की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है कि इस बार किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही या चूक देखने को मिलेगी। देखिए कलीम आज का मुकाबला बहुत दिलचस्प है, भारत अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है, इंग्लैंड का भी प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, ऐसे में आज इन दोनों ही टीम के कौन से ऐसे बड़े प्लेयर्स है जिस पर नजर टिकी रहेगी? हाँ देखिए जाहिर सी बात है अगर मैच को लेकर के इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जिस तरह से अभी तक मैच नहीं हारा है तो उसको लेकर के अगर सुबह से ही हम बात करें तो आज जिस तरह से मुकाबला है तो उस मुकाबले को लेकर के कई जगह ऐसी तस्वीरें भी देखी गई हैं कि पूजा की जा रही है, हवन किया जा रहा है इंडिया की जीत के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो क्रिकेटर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्रिकेटरों को पहले तो देखने की होड़ जो लगी हुई थी, अब जो मैच की बात की जाए उनको करीब से देखने के लिए जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और जो जीत के विषय पे अगर बात की जाए, जीत के लिए लगातार जो प्रार्थनाएं हो रही है, पूजा पाठ हो रही है, तो इस सभी चीजों को लेकर के जाहिर से तौर पे अगर कहा जाए तो जो मैच के क्रिकेटर हैं उन सभी पर निगाहें रहेंगी। किसी एक को कहना जो है गलत चीज होगा, क्योंकि सभी जो टीम है उन सभी चीजों का उत्साह बढ़ाना है, और एक पर अगर सीधा फोकस अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं मनोबल भी डाउन होता है। ठीक है, धन्यवाद कलीम उस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोपहर 2 बजे महामुकाबला आज खेला जाएगा, भारत और इंग्लैंड के बीच आज का ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होना है। इकाना स्टेडियम में आज वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है, जिसके लिए एक एडवाइजरी भी पुलिस की तरफ से जारी की गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्टेडियम के अंदर पानी की बॉटल्स भी ले जाना अलाउड नहीं है, सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। स्टेडियम के अंदर जो भी दर्शक मौजूद रहेंगे उनके लिए फ्री पानी की व्यवस्था की गई है, पानी के स्टॉल्स भी बढ़ाए गए हैं, इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर तैनात रहे। इसके साथ ही साथ 600 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।